लगाया। ये जो कह रही हो ये क्या है? मैंने क्या लगाया? ये इल्जाम नहीं है। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगा। कह रही हो कि तुमने मुझे 1000 रुपए दिया। आपने दिया? कब दिया? अभी दिया। उस 1000 की शक्ल कैसी थी? किस जो 1000 मैंने तुम्हें दिया, जिस तरह शक्ल होती उस तरह की थी? आप तो शर्म आनी चाहिए, आपको आपको शर्म आनी चाहिए ना मेरे भाई। तुम कर रहे हो, चलो ठीक है ना, हम कर रहे हैं। तुम कर रहे हो ठीक है, हम कहा है आपका, आपका ईमान है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ईमान हमारे साथ। ईमान है ना? ये जी है। कुरान को मान, इंशाल्लाह जरूर ईमान। अपने ईमान से बताएं कि मैंने आपको 1000 रुपया दिया है। जी अपना ईमान कुरान से। जी 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 जी, ईमान कुरान से कह रहे हो? जी जी, की बात है, की बात है। ईमान कुरान को चीज दिखाना है, हमारा काम सिर्फ दिखाना है। चलो ठीक है, दिखा रहे हैं आप लोग। हम आपको पकड़ के जेल में थोड़ी ना डालेंगे। आप डाल दें, हम दिखाएंगे, हम दिखाएंगे, आप दिखाएं, हमारे अदारे डालेंगे। चलो ठीक। तो दोस्तों, आज हम वीडियो में देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की एक लड़की अब जंगल में गलत काम करती है। पाकिस्तान में क्या घर कम पड़ गए थे, जो कि उसने घर छोड़कर जंगल में गलत काम करना शुरू कर दिया। अब उन्हें घर तो छोड़ो, जंगल भी नहीं छोड़े यार, जंगल में भी ये सब गलत काम करने लगी वो लड़कियां। इतनी बेशरम हो सकती है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में देखते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए ना मेरे भाई। तुम कर रहे हो, चलो ठीक है ना, हम कर रहे हैं। तुम कर रहे हो ठीक है, हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप? हमने तो दिखाना है, हमारा काम सिर्फ दिखाना है। चलो ठीक है, दिखा रहे हैं आप लोग। हम आपको पकड़ के जेल में थोड़ी ना डालेंगे। आप डाल दें, हम दिखाएंगे, हम दिखाएंगे, आप दिखाएं, हमारे अदारे डालेंगे। चलो ठीक है, डाल दें आप अदारे। अच्छा, आपने नहीं बाज आना? नहीं, हमने बाज नहीं आना। वैसे क्या कमा कितना लेती है? क्यों, 15 से 2000 कमा ही लेती है। 15 से 2000 एक कस्टमर से कितने मांगती है? क्यों, जितना आप लोग आपने दिए मुझे। मैंने कितने दिए? आपने 1000 रुपए दिए। किस बगैरत ने दिए? आप बगैरत ने। किस चवल इंसान ने? तू चवल है, तू नहीं दिए। ये नारे इसकी बकवास है, ये इसके अल्फाज हैं। ये हमें थ्रेट किया जाता है, मैं नहीं आता इन थ्रेट में। इसमें इसने ये बातें की है, मैं चलाऊंगा प्रोग्राम में। ये नहीं है कि ये कह रहा है कि मैं नहीं चलाऊंगा, मेरा प्रोग्राम है मैं चलाऊंगा, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। ये लोग हमें थ्रेट करें, ये लोग हमें डराएं, चाहे जो कुछ मर्जी करें, मैं चलाऊंगा, मेरा प्रोग्राम है, मैं आपको दिखाऊंगा। इनके असली चेहरे, इनके असली काम, वो इंशाल्लाह अंजाम तक पहुंचेंगे। हमारा काम आपको दिखाना है, इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे आखिरी सांस तक, इंशाल्लाह जरूर। अच्छा चल ठीक है, मेरे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रही है? किसके इल्जाम है? ये जो कह रही हूँ, मैंने कोई इल्जाम लगाया आपको? ये जो कह रही है क्या? मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया। ये जो कह रही हूँ ये क्या है? मैंने क्या कहा? ये इल्जाम नहीं है। मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया। कह रही हो कि तुमने मुझे 1000 रुपए दिया। आपने दिया? कब दिया? अभी दिया। उस 1000 की शक्ल कैसी थी? किस जो 1000 मैंने तुम्हें दिया, जिस तरह की शक्ल होती उस तरह की थी? ईमान है आपका? आपका ईमान है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ईमान हमारे साथ। ईमान है ना? ये बताएं। जी है। कुरान को मान, इंशाल्लाह जरूर ईमान। अपने ईमान से बताएं कि मैंने आपको 1000 रुपए दिया है। जी अपने ईमान से। जी जी, ईमान कुरान को। जी 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 जी, ईमान कुरान से कह रहे हो? जी जी, पक्की बात है? हाँ पक्की बात कह रही हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह, नाज़रीन यहाँ पर अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। और हाँ, इसने यहाँ पर आके मुझे कहा जी मेरे कस्टमर ना खराब करे। अब रुक जा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ रुक जो, रुक जो, रुक जो, रुक जो, भागना नहीं है। अब मेरी बात सुनो, ईमान कुरान को चीज होती है, ईमान कुरान को चीज होती है। सही है। तुमने झूठी कसम क्यों? मैंने नहीं खाई झूठी कसम। नहीं, मैंने नहीं खाई, मैंने नहीं। तुमने क्यों कहा कि मैंने तुमसे पैसे लिए? मैंने तुम्हें पैसे दिए? सॉरी, आपने दिए? मैं उस पर लानत भेजता हूँ। आपने, तुम लोगों का ना कोई ईमान ना कोई दीन है। चल ठीक है, पहले मैंने ये हमारा ईमान हमारे से, हमारा दीन हमारा। तुमने ये चीज यहाँ पर बतानी है कि मैंने तुम्हें नहीं पैसे दिए? तो क्यों कहूँ मैं यार? मैं अल्लाह की कसम, मेरी बात सुनो। मैं पहले नाज़रीन ये सोचता था कि चलें ये अल्लाह ताला ने इनको बनाया, ट्रांसजेंडर तो होते हैं ये, जिसम फरोशी करते हैं, इनकी मजबूरी होती है या ये इनकी आदत होती है। लेकिन अब यहाँ पर ये चीज देखे कि ईमान कुरान कुछ नहीं है इनके लिए। अल्लाह पाक की कसम खा के कहता हूँ, मैं मर जाऊँ, मेरे यहाँ पर मैं दफन हो जाऊँ, अगर मैंने इस बंदे को कोई पैसे दिए हों या मैंने इस बंदे से कोई किसी किस्म की कोई डिमांड की हो। क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने झूठ कोई नहीं बोला, मैंने कसम खाई है ना। किस चीज की कसम? मैंने कोई डिमांड नहीं की। तो आप ना मैंने कोई उठा सकते हैं? क्या आपके साथ कोई था? हाँ, ये मेरे साथ मेरा कैमरा मैन, मेरा प्रोड्यूसर, मेरा साथ मिले हुए हैं। अच्छा जी, आप अकेली सच्ची हैं, बाकी सारे इमाम और क्या जिसमें करती हो? जी मैं करती हूँ। करती हो? जी करती हूँ। अभी पुलिस वालों ने नहीं रोका? क्यों नहीं रोका? साहब रोकते हैं। रोकते हैं जी? फिर क्यों करते हैं? बस क्या करें, मजबूरी है, आप लोगों को मकान दिलवा सकते हैं। हाँ तो फिर कराची की सबसे बड़ी जो डॉक्टर है वो कौन है? मुझे क्या पता कौन है? ट्रांसजेंडर फीमेल तो होगी ना। आप क्यों नहीं पढ़ के बन सकते? क्यों आप क्यों नहीं बन? हमारी मर्जी, हमारी लाइफ के। बस माइंड सेट किया है कि गलत काम करना, तो जी जी, जी जी काम करना है तो करना है हमने। अच्छा ये माइंड सेट है? जी माइंड सेट। आपने गलत काम करना है? जी जी। कोई रोकेगा, कोई टोकेगा, कोई नहीं रुकना? नहीं रुकना हमने। वजह क्या? बस हमारी वजह जो है इस मुल्क को फहाशी का मुल्क बनाना है। जी फांसी फैलानी है? आप लोग क्या कर रहे हैं? फांसी फैलानी है जो हम तो फांसी दिखा रहे हैं जो हम मर्जी हम दिखा फांसी मर्जी का जो फांसी फैलानी है सोने हम जो मर्जी करें ठीक है ना फांसी फैलानी है हम जो मर्जी करें अच्छा फांसी फैलानी है क्या फांसी होती है मुझे नहीं पता फांसी ये होती है कि रोड पर खड़े होकर ऐसे ऐसे इशारा करना जंगल खड़ी तो आप लोग रोड में मुझे पकड़ना किस चीज के साथ आप लोग ने मुझे पकड़ा आपने खुद मुझे बुलाया
अच्छा मैंने बुलाया? आपने बुलाया? मैं आप किस लिए बुलाया? आपका कैसे सबूत? किसने साहब का कस्टमर था? कोई था? किस लिए? तुम खुद तुम्हारे अल्फाज है कि तुम तुम्हारे अल्फाज है? मैं बोलती हूं मैं खुद आई हूं। हम नाजर यहां पर खड़े थे, मैं बताता हूं। तुम बोल रही हो मैं बताता हूं। क्या बताते हो? आप तो झूठ बोल रहे हो। मैं बताता हूं किस तरह आई हूं। अगर झूठ आप झूठ बोल, अगर झूठ हो तो फिर कहना मैं बताता हूं। नाजर यहां पर रुक जा, जाना नहीं है। नाजर यहां पर ये दरख्त है, जंगल है। हम यहां पर खड़े थे किसी और प्रोग्राम के लिए, लेकिन ये बंदा आया, इसने कहा कि शायद अंदर कस्टमर खड़े हैं, मैं उनसे डील करती हूं और डील करके अंदर गेम डाल लेती हूं। लेकिन इसको वो डील जो है वो महंगी पड़ गई है। अब मुझे ये बताना, तुमने ये बात मान लो कि मैंने तुमसे पैसे नहीं लिए तो बात करते ठीक। ओके ओके ओके। पैसे मांगे हैं? पैसे दिए तुझे? नहीं दिए, बस झूठ बोला ना तुमने? हां मैंने झूठ बोला। झूठ ना? हां झूठ। ये लाइट साइड पे करते हो? फाजिल फाज में बताओ कि मैंने तुमसे लाइट साइड पे, मैंने पैसे तुम्हें लाइट साइड पे, लाइट लेके जब सबको बताऊंगा। लाइट साइड पे ही है। अच्छा पैसे दिए हैं मैंने? हां दिए। फिर वो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे कि नहीं दिए? नहीं दिए। खुल के बताना है जी? नहीं दिए, नहीं दिए। खुल के? नहीं दिए, नहीं दिए। नहीं दिए। फिर क्यों कहा? झूठ बोला ना? तो फिर आप लोगों ने आपका इंटरव्यू देना, आप लोगों ने आपकी लाइट नहीं मारेंगे आपको? आपने मेरे ऊपर लाइट क्यों मारी है? दिखाना तो है ना, हम लाइट नहीं मारेंगे तो कैसे? तो फिर ऐसा? अच्छा झूठ बोला ना? बात खत्म करें। झूठ बोला? हाँ सुन, मैंने कोई ऑफर नहीं, कोई नहीं, मैंने कोई डिमांड कोई नहीं, मैंने कोई पैसे दिए? कोई बात नहीं। ओके फिर इस तरह कभी किसी के साथ नहीं करना। ये नाज़िन अब ये बात कह रहा है में बात। अच्छा अब ये नाज़िन आप देख सकते हैं कि ये इसकी चाल चेक करें, और अब ये भाग रही है यहाँ से। इसने झूठे झूठी चीजें, इस तरह हमें थ्रेट किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान की एक बेशरम, एक बेहुदी, एक गवार लड़की जंगल में गलत काम करती है, जंगल में लड़कों को बुलाती है, वो लड़की सड़क पर खड़ी हो जाती है और जो इंसान उसको पैसे वाला दिखता है उसी इंसान को वो ऐसे इशारा करके बुलाती है, और बुलाने के बाद उसे जंगल में ले जाती है, जंगल में ले जाकर उससे पैसे मांगती है और गलत काम करती है। और पाकिस्तान में क्या घर कम पड़ गए थे जो कि अब उसे जंगल चाहने लगे, ये सब गलत काम करने के लिए वो जंगल में आने लगी। पाकिस्तान में और सब खाने की चीजों की तो कमी थी, लेकिन अब इन लड़कियों को पाकिस्तान में घर की भी कमी महसूस होने लगी, पाकिस्तान में घर की भी कमी हो गई है। तो अब इन लड़कियों ने पाकिस्तान के घर छोड़कर जंगल में अपने गलत काम शुरू कर दिए, जंगल में धंधे करवाना शुरू कर दिए। तो ये लड़कियां इतनी बेशर्म हैं, पाकिस्तान इतना घटिया, इतना घिनौना देश है। तो आप लोग इस वीडियो के बारे में हमें क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।